नमस्कार, मैं प्रिया दयाल, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश जो है, भारत का पड़ोसी देश, वो आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के भवन में भी कब्जा कर लिया। साथ ही साथ उनका जो घर है वहाँ पर भी उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। वहाँ पर वह घुस गए थे, उसके बाद वह प्रधानमंत्री जो है उनके आवास पर भी पहुँच गए थे, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और फिर वहां पर सेना के हवाले चीजें की गई और वहां पर अभी फिलहाल परिस्थिति जो है वो काबू में है और जगह जगह पर जो है वो सेना घूम रही है, परिस्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इन बिगड़ते हालातों, श्रीलंका की बिगड़ती स्थिति पर केंद्र सरकार ने अपनी मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। विपक्ष को श्रीलंका के मौजूदा हालातों पर जानकारी दी गई थी, यानी कि भारत सरकार ने विपक्ष को पूरी एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर श्रीलंका के मौजूदा हालातों पर जानकारी दी और साझा की। विपक्ष के कई नेताओं ने भारत की आर्थिक स्थिति की तुलना श्रीलंका से कर दी है। इस बैठक के दौरान हुआ ये कि कई सारे विपक्ष के नेताओं ने भारत की आर्थिक स्थिति की जो तुलना है वो श्रीलंका से कर दी। विदेश मंत्री ने भारत में श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा नहीं होने की, यानी कि ऐसी स्थिति पैदा होगी, इस बात को खारिज किया है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति भारत में कभी पैदा नहीं होगी, विदेश मंत्री का ये कहना है। जिसके बाद विदेश मंत्री के इस बयान पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर भारत की श्रीलंका की तुलना गलत है तो क्यों है, उनका कहना है। क्या केंद्र सरकार के पास इसका जवाब है? असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि अगर इसका जवाब नहीं है तो आर्थिक मामलों के विभाग ने प्रस्तुति क्यों नहीं दी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने जो है वो तुलना की थी, क्या कहते हैं, श्रीलंका से भारत की, जिसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ता ही जा रहा है। देखना होगा कि केंद्र सरकार जो है इसका जवाब कैसे देती है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से श्रीलंका के हालात बने हुए हैं वो चिंताजनक है। देखना होगा कि इस पर भारत सरकार क्या बड़ा कदम उठाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ मिशन के साथ।